झारखंड के मंत्री आलमगीर 6 दिन की ईडी रिमांड पर। टेंडर कमीशन घोटाले में हुए थे अरेस्ट। पीए के नौकर के घर से मिले थे 30 करोड़ रुपए। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने अदालत से 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन प्रभात कुमार शर्मा की विशेष अदालत ने 6 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अनुमति दी। वो 22 मई तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। बता दें कि रिमांड की अवधि कल से शुरू होगी। आज आलमगीर आलम न्यायिक हिरासत में रहेंगे। वहीं भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार ने कहा कि हमने 10 दिनों की ईडी रिमांड मांगी थी, लेकिन झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को 6 दिनों के लिए भेजा गया है। 10 दिन के लिए हम लोगों ने रिमांड मांगा गया था। अभी जितना भी पैसा निकला था रिकवरी उनके पीएस के यहाँ के स्टाफ के यहाँ से, उन सब ग्राउंड्स को सारा उन लोगों का स्टेटमेंट के बेसिस पे, इनका स्टेटमेंट के बेसिस पे बताया गया था कि इनके खिलाफ में ऑफेंस बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का, और वो सारा पैसा इन्हीं का है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसी के बेसिस पे हमने रिमांड मांगा। मेडिकल ग्राउंड उनका है, हाँ 6 दिन नहीं नहीं, अभी जब साहब ऑर्डर करेंगे, अभी हम लोगों को केवल बोले हैं 6 दिन के लिए रिमांड दे रहे हैं, 10 दिन के लिए। बता दें कि ईडी कार्यालय में पूछताछ के पहले दौर में मंत्री आलमगीर आलम अपने आप्त सचिव के कारनामों की जानकारी होने से इनकार करते रहे। जहांगीर के पास मिले करोड़ रुपए के बारे में भी अनदेखी जताई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें जहांगीर के पास रुपए होने की जानकारी नहीं थी। उन्हें तो छापेमारी के बाद मीडिया की खबरों से उसके पास करोड़ रुपए होने की जानकारी मिली। शुरू ये चीज हुआ संडे के शाम में, इनको एक समन मिला इनके आवास पे धुरवा में शाम 4 बजे कि ईडी वाले इनको बुलाए हैं मंगलवार के सुबह 10:30 बजे। उस समय ये चुनाव कार्यक्रम में बिजी थे बड़हरवा में अपने क्षेत्र में साहिबगंज में। समन मिला, ये नेक्स्ट डे वापस आ गए, बड़हरवा से रांची आए, रांची से परसों कल ये मंगलवार को जाके ईडी ऑफिस अपीयर कर गए टाइमली 10:30 बजे, और जो भी प्रश्न किया गया सारे का जवाब दिए और पूरी तरह से कोऑपरेट किए। इनका एक प्रेयर था कि हमको मेडिकल एड है और कुछ टाइम दिया जाए, तो उनको बोला कि नहीं कल आप आ जाइए, कल कंटिन्यू करेंगे। कल भी ये टाइमली अपना चले गए। जब टाइमली चले गए तो शाम में इनको ये इन्फॉर्म किया गया कि हम लोग आपको अरेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद मेमो ऑफ अरेस्ट बना के कल शाम में 6:30 बजे उनको दे दिया। आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जो 24 घंटा के अंदर प्रोड्यूस करना आज प्रोड्यूस कर दिया गया। कोर्ट ने 6 दिन का रिमांड दिया ईडी को। आज ये चले जाएंगे होटवार और कल से रिमांड स्टार्ट होगा 6 दिन का। उसके बाद फिर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। विरोध 10 दिन का था, विरोध किया गया, 6 दिन का मिलाएंगे। गौरतलब है कि 6 मई की अले सुबह ईडी ने रांची में कई जगहों पर छापेमारी की थी। इसमें मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के नौकर के घर पर रेड मारा था। निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहायक जहांगीर आलम के फ्लैट से 30 करोड़ कैश की बरामदगी हुई थी। इसके बाद निजी सचिव और नौकर दोनों को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लेकर ईडी ने उनसे पूछताछ शुरू किया था। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।